दोस्तों, कैसे हो? मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में मैंने सम्मित और विषम सम्मित अव्यूह कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। पूरी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनका आपको परिवर्त निकालना है, इनका आपको परिवर्त ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सा है परिवर्त। जैसे फर्स्ट वाले का परिवर्त की बात करें, तो फर्स्ट वाले का परिवर्त अगर देखिए किसमें लिखा हुआ है, स्तंभ में, तो इसे हम क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए ये ए है, ठीक है, तो ए का परिवर्त हो जाएगा, ये स्तंभ में लिखा है तो इसे पंक्ति में लिख दीजिए, 5 1/2 -1। इसी तरह से ये है तो इसकी पहली पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो ये आएगा, और इसकी पहली दूसरी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा वाला भाग देखिए, हो सकता है आपको यहां वाला हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं, ये लिखा है -1 -1 -5 6, यहां लिखा है √3 5 6, और फिर लिखा है 2 3 और -1। तो इसका अगर आप परिवर्त करोगे तो इसका परिवर्त कितना हो जाएगा, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दीजिए, तो -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? देखिए दूसरा वाला भाग देखिए, यदि a बराबर ये है और b बराबर आपके पास ये है, तो आपको ये दोनों ज्ञात करने हैं, ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहला वाला भाग कहता है a प्लस b को जोड़ो, उसका परिवर्त निकालो, वो बराबर आएगा a के परिवर्त और b के परिवर्त के योगफल के। तो यहां पर हम देखिए का निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम a प्लस बी निकालते हैं, इसके अंदर ये पहले a प्लस बी निकालते हैं, ठीक है। मैं यहां पर डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, जगह की कमी की वजह से। तो देखिए -1 और -4 कितना हुआ, देखिए जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा -5, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और -5 कितना हुआ 3 और -5 है तो -2, 5 और 1 कितना हुआ 6, 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 और 0 कितना हुआ 9, -2 और 1 कितना हुआ -1, 1 और 3 कितना हुआ 4, 1 और 1 हुआ 2। वापस देखो हमने क्या किया, इसके पहले अवयव को इसके पहले अवयव से जोड़ दिया, तो ये -4 है -1 है -4 है तो -5, इसी तरह से ये 5 है, ये 1 है 6, ये -2 है और ये 1 है तो -1। इसी तरह यहां देखिए इसकी बात कर रहा हूं, ये 2 है, यहां पर देखो ये 1 है तो 2 और 1 हुआ 3, इसी तरह 7 और 2 हुआ 9, 1 और 3 हुआ 4, 3 और -5 है तो 3 और 3 में से -5 को जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा -2, ये लिख दिया। फिर 9 में 0 को जोड़ोगे तो 9 आएगा और 1 में 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। ये आपके पास a प्लस बी का परिवर्त प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालते हैं, इसका a प्लस बी प्राप्त हुआ, अब इसका परिवर्त निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी का परिवर्त, परिवर्त निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभों में बना देंगे, तो जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना देंगे, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, ये आपने a प्लस b का परिवर्त निकाल लिया, इसे हम एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब a का परिवर्त निकालते हैं, b का परिवर्त निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो a का परिवर्त निकालेंगे तो जो पंक्ति है उसे स्तंभ बनाओगे तो ये -1 2 3 और इसी तरह 5 7 9 और ये हुआ -2 1 और 1। b का परिवर्त निकालोगे तो कितना आया, ये रहा -4, फिर ये 1 है पंक्ति में आ गया, ये -5 है, फिर ये 1 2 0, ये 1 2 0, फिर 1 3 1 1 3 1। अब मुझे क्या करना है, अब आपको a का परिवर्त और b के परिवर्त का योगफल दिखाना है। तो a का परिवर्त और b का परिवर्त इन दोनों का योगफल कितना आया देखते हैं। इन दोनों को जोड़ो, -1 और -4 -5, 5 और 1 कितना हुआ 6, आप यहां पर देख सकते हो 5 और 1, इसमें परिवर्त तो सही निकाला अपन ने, -1 2 3 -1 2 3, 5 7 9, -2 1 और 1, ठीक है। तो a का परिवर्त और b का परिवर्त का योगफल कितना आया,
ए के परिवर्त का योगफल आया ए माइनस एक और माइनस चार, ठीक है, तो ये हुआ माइनस पांच, पांच और एक हुआ छह, माइनस दो और एक हुआ माइनस एक, दो और एक हुआ तीन, सात और दो हुआ नौ, एक और तीन हुआ चार, तीन और माइनस पांच हुआ माइनस का दो, और नौ और जीरो हुआ नौ, एक और एक हुआ दो। यहां आप देख सकते हो ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में बराबर, इसे हम दो नाम दे देते हैं समीकरण दो। तो समीकरण एक और समीकरण दो आपके पास क्या आ रहे हैं बराबर। अब इसी तरह हम निकालेंगे a माइनस बी, पहले a माइनस बी ज्ञात करेंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे, फिर इसी तरह से a का परिवर्त निकालेंगे, b का परिवर्त निकालेंगे और माइनस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। चलिए इसके आगे का पार्ट देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे a माइनस बी की। तो इसका सेकंड पार्ट जो है a माइनस बी, तो माइनस इसको तो आपको अगर आप चाहो तो आप लिख के कर सकते हो डायरेक्ट, वरना मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो माइनस एक में से माइनस चार करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस चार में से एक माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास तीन, दो में से एक को माइनस करोगे एक, तीन में से ये प्लस का हो जाएगा तो पांच और तीन हो गया आठ, फिर पांच में एक को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा चार, सात में से दो को माइनस करोगे तो आ जाएगा पांच, नौ में से जीरो माइनस करोगे तो नौ, माइनस दो में माइनस एक किया तो माइनस तीन, एक में तीन को जोड़ा माइनस दो, क्योंकि ये माइनस का तीन हो जाएगा प्लस का एक है तो माइनस दो हो जाएगा, एक में एक को माइनस कर दोगे तो जीरो। अब हमने क्या किया, इसका परिवर्त किया, तो a माइनस बी का परिवर्त आपको प्राप्त होगा, ये 318 है, 318 यहाँ आ गया, चार पांच और नौ है तो ये चार पांच नौ आ गया, ये माइनस तीन माइनस दो और जीरो आ गया, ये आपने ये वाला भाग निकाल लिया। अब क्या करोगे, a का परिवर्त निकालो, b का परिवर्त निकालो और माइनस कर दो। तो a के परिवर्त की अगर हम बात करें तो इसका परिवर्त हो जाएगा माइनस एक दो तीन, ये हो जाएगा पांच सात नौ और ये माइनस दो एक और एक। बी का परिवर्त निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस चार एक, माइनस पांच एक, दो जीरो, एक तीन एक, ये जो पंक्ति दी इसे स्तंभ बना दिया, माइनस चार एक माइनस पांच, फिर एक दो जीरो जा, एक दो जीरो से यहां बना दिया, एक तीन एक था, एक तीन एक यहां लिख दिया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर। चलिए ये ए का परिवर्त और बी का परिवर्त निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपको तो ए का परिवर्त में से बी के परिवर्त को माइनस करना है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक। अब यहां पर जब आप माइनस करोगे ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, तो यहां आप देखिए माइनस एक में से माइनस चार कितना आ जाएगा, देखिए ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एक और प्लस चार, और ये कितना आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा तीन, फिर पांच में से एक माइनस कर दोगे चार, माइनस दो में से एक किया तो माइनस का तीन, दो में से एक गया तो एक, सात में से दो गया तो पांच, एक में से तीन गया तो माइनस दो, तीन में से माइनस पांच गया तो आठ, नौ में से जीरो गया नौ, एक और एक में से एक गया तो जीरो। तो यहां देखो तीन चार माइनस तीन, तीन चार माइनस तीन, एक पांच माइनस दो, एक पांच माइनस दो, आठ नौ जीरो और आठ नौ जीरो, यहां पर ये प्लस का होगा, ये प्लस का है, ये देखिए यहां पर ये माइनस है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो तीन माइनस माइनस पांच, इसलिए प्लस आठ हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया, इसके जैसा जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करोगे, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का परिवर्त आपके पास, देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें ए का परिवर्त दिया है और बी दिया है, आपसे ये पूछा है ये ज्ञात कीजिए, तो बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या करना है, देखिए ए का परिवर्त है तो ए क्या होगा, चलिए पहले बेसिक पढ़ते हैं, ए का परिवर्त कर दो और उसका वापस परिवर्त कर दो तो ए प्राप्त हो जाता है, ये हमने गुणधर्म में पढ़ा है। तो यहां पर अगर हम इसका वापस परिवर्त कर देते हैं, ए के परिवर्त का वापस परिवर्त कर देंगे तो वो ए आ जाएगा, तो इसका परिवर्त कर दोगे तो माइनस दो तीन यहां आ गया, एक दो यहां आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम किसकी बात करेंगे, ये ए निकल गया, अब ए प्लस दो भी निकालो, तो ए प्लस दो भी निकालने के लिए ए कितना है,
अब दो भी है तो दो से बी को गुणा कर दो, तो ये माइनस दो जीरो, माइनस दो चार, प्लस दो चार। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ो, देखो बहुत खूबसूरत संख्याएं आएंगी, माइनस दो और माइनस दो माइनस चार, एक में जीरो को जोड़ोगे एक, तीन में एक को, तीन प्लस दो हुआ पांच, दो प्लस चार हुआ छह। वापस देखो, माइनस दो में माइनस दो को जोड़ो माइनस चार, एक में जीरो जोड़ा एक, तीन में दो जोड़ा पांच और दो में चार जोड़ा छह, ये आपके पास क्या आया, ए प्लस टू बी। इसका परिवर्त ज्ञात करना है तो ए प्लस टू बी का परिवर्त कितना हो जाएगा, इसका परिवर्त कर दो, माइनस चार एक पांच और छह, माइनस चार एक पांच और छह, ये माइनस चार एक पंक्ति में था स्तंभ में लिख दिया, ये पंक्ति में था स्तंभ में लिख दिया। अब ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन के दो भाग हैं, पहला भाग मैं आपको कराता हूं, एक आपका होमवर्क है, लेकिन ध्यान से देखना, अगर आपने गलती करी चूक जाओगे, ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैसे करना है देखिए, ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसे मैं आपको यहां से हटा देता हूं ताकि हमारे पास जगह बहुत सारी हो जाएंगी। चलिए, ए और बी का गुणा करना है और फिर उसका परिवर्त ज्ञात करना है, और ये बराबर होता है बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले ए और बी को गुणा कर ले, गुणा करते हैं। अब ए और बी को गुणा करने से पहले मुझे आप एक बात बताओ कि ए और बी का गुणनफल कब होता है, ए और बी का गुणनफल कब होता है। सिंपल कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया था और बोला था आपसे कि ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत जगह काम में आएगा। कब होगा, जब पहली पंक्ति पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो तो दोनों का गुणनफल संभव है। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहला अवयव आपके पास ये है, ए बी की बात कर रहे हैं ना, तो ये ए लिखा, एक चार तीन। अच्छा, एक चार तीन क्या होता है, अधिकतर बच्चे मेरे से पूछते हैं, बोले सर 1 4 3 का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, जीनियस बच्चा। चलिए, तो ये हुआ एक चार और तीन। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तीन, स्तंभों की संख्या एक, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति बोल रहा हूं एक, और स्तंभ कितने हैं, तीन। समझ में आया, क्लियर हुआ, ये दोनों बराबर है तो जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो कितनी होगी, तीन गुणा तीन की। तो तीन गुणा तीन इससे कैसे बनेगा, इस एक को गुणा करना हमने बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से, मतलब सबसे ज्यादा अच्छे से हमने इसमें गुणा करना ही सीखा है पूरे आव्यूह में। एक को इस एक से क्या एक, फिर एक को इस दो से क्या दो, फिर एक को इस एक से क्या एक, चार को एक से क्या चार, चार दो ना आठ, चार एकम चार, तीन एकम तीन, तीन दो ना छह, तीन एकम तीन, ये आपके मिला ए बी। ठीक है, अब क्या करना है, ए और बी का परिवर्त, तो जो पंक्तियों से स्तंभ बना दो। अगर ये हिस्सा नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूं, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, बस ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने कौन सा हिस्सा सॉल्व किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड बड़ा ही सिंपल, बी का परिवर्त निकालो, ए का परिवर्त निकालो, गुणा कर दो। तो जवानों, बी का परिवर्त कितना होगा, एक दो एक, ए का परिवर्त कितना होगा, एक चार तीन, और दोनों का गुणनफल कितना होगा, बी का परिवर्त और एक का परिवर्त, करें गुणा। चलिए, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, एक को एक से क्या एक, एक को फिर चार से करोगे चार, एक को तीन से क्या तीन, दो एकम दो, दो चौका दो तिया छह, एक। जिसको अभी भी गुणा में तकलीफ है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके पूछेगा, अगर वीडियो देखी है फिर भी क्लियर आपका नहीं हो रहा है तो। ये क्लियर हुआ अच्छे से, ये देखो ये दोनों बराबर आने, एक जैसा ही कुछ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या आपस में बराबर है,
समझ आया। चलो नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन है, ए बराबर आपको ये दिया है, आपको ये सत्यापित करना है कि ए का परिवर्त और ए का गुणनफल कितना होता है, आई होता है। चलिए देखिए, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है आव्यूह में, ये आपके भाई का नंबर है, बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, बेझिझक मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन दूंगा, और आपकी प्रॉब्लम अगर होगी कुछ और तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर आप देखिए, ए आपको दिया है, ए का परिवर्त निकालते हैं, कॉस अल्फा, ये पंक्ति है स्तंभ बना दिया, ये पंक्ति है स्तंभ बना दिया, ठीक है। अब ए का परिवर्त और ए बराबर होता है आई, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये वाला साइड, ठीक है। तो ए का परिवर्त और ए का परिवर्त कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इन दोनों को क्या करना है, गुणा करने के लिए एक बात जरूर ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाया है और इंग्लिश मीडियम की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है, वो बच्चे आप लोगों से आगे हैं लेकिन आप लोगों की क्षमता उनसे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, तो आप उसे सही तरह यूटिलाइज कीजिए और आप उसका बेनिफिट लीजिए। मैं हूं आपके लिए, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली मैंने क्लासेस अपलोड की है कि मेरा कोई भी भाई जो है हिंदी मीडियम का वो पीछे नहीं रहना चाहिए। आप जिस भी क्लास में हो, अगर आप 12th क्लास में हो तो आप अपने छोटे भाई को बता सकते हो, मैं 8th क्लास से 8th या 9th क्लास से मैं क्लासेस सारी अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। एक भी हिंदी मीडियम का बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए, छूटा तो इसका पाप आप लोगों के सिर लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। आपका शेयर किसी का साल बचा सकता है, इसलिए जितना शेयर हो सके उतना करो। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत करोगे। आपकी प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं हमेशा हाजिर हूं, आप कभी भी पूछ सकते हो। चलिए गुणा कैसे करना है, इस कॉस को इस कॉस से किया, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इस साइन को इस साइन से किया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इस कॉस को इस साइन से किया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इस साइन को इससे किया तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इस साइन को इस कॉस से किया, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, फिर इसको इससे किया तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इस लाइन को इस लाइन से किया तो साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर, और कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हुआ 1 0 0 1, ये तो कट गया आपस में, ये कट गया आपस में, और ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, जब ये दोनों ही 1 होते हैं तो ये 1 और 1 क्या होता है, तत्समक इकाई आव्यूह, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, आई। समझ में आया। चलिए इसका जैसा क्वेश्चन सेकंड पार्ट आप करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आप ये भी निकाल के देखना, ए और ए का परिवर्त, ये आई होता है क्या, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में आपके वेट का इंतजार, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, इसलिए आप ध्यान रखना। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो, जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा तैयार कर रहे हो, तो बोर्ड में किसी का बाप आपको 90 से ऊपर लाने से नहीं रोक सकता। एंड तक आते आते हम पहले तो क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद एंड तक आते आते हम क्या करेंगे, एंड तक आते आते मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक टॉपिक, फिर उसके 50 क्वेश्चन, फिर एक टॉपिक 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन वो वाले जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो कोई भी पोर्शन आपका नहीं छूटेगा। आप किसी भी बोर्ड के हो, आप पेपर फोड़ोगे पेपर, ये मेरा वादा है आपका, लेकिन आपको करना क्या है, निरंतर रूप से कार्यरत रहना है, अपनी स्टडी को रेगुलर रखना है बिना किसी भी छुट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह। सममित आव्यूह के लिए हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, कि ए का परिवर्त अगर ए ही है तो वो एक सममित आव्यूह है। तो इसका परिवर्त अगर हम करते हैं, तो ए का परिवर्त किया हमने, एक माइनस एक 5 माइनस 1 2 1 5 1 3,
ये देखो ये और ये कुछ एक जैसा दिख रहा है क्या? -1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, -1 3, 5 1 3। तो इसका मतलब ए का परिवर्त ए है और ये जो है वो एक सममित आव्यूह है। दूसरा वाला भाग जो है ये एक विषम सममित आव्यूह है, ये आपको बताना है विषम सममित। तो बड़ा सिंपल सा है, ए का परिवर्त कितना होना चाहिए? ऋणात्मक है। ए का परिवर्त निकालिए कितना आ रहा है? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये 0 ये माइनस का है प्लस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 0 ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 0 हुआ। अब इसे जान से देखिए, इसे और इसे देखिए एक जैसे दिख रहे हैं। जब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो कि ये माइनस है। तो ए का परिवर्त आपको माइनस ए प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह है कि ये जो दिया गया है वो एक विषम सममित आव्यूह है। ये आपको समझ आया, ये एक विषम सममित आव्यूह है और ये एक सममित आव्यूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आठवां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैंने 9th क्वेश्चन लिया है क्योंकि 8वां क्वेश्चन इसमें भी एक तरह से दिया गया है। तो यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको ये ज्ञात करना है, एक आपको ये ज्ञात करना है। और इन दोनों के लिए मैंने आपको एक बात बताया था, जल्दी से रिमाइंड कर लो फटाफट, मैंने एक प्रमेय आपको बताई थी इससे रिलेटेड, इससे संबंधित। तो देखिए आपको ये निकालना है और ये निकालना है। तो ए प्लस ए का परिवर्त, तो ए का परिवर्त ज्ञात कर लीजिए, 0 a b -a 0 c -b -c और 0। ठीक, a प्लस ए का परिवर्त निकालते हैं, a कितना है, 0 a b -a 0 c -b -c 0 प्लस यहां पर 0 a -b a 0 c b c और 0। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 में 0 को जोड़ा 0, a में इसको जोड़ा 0, b में इसको जोड़ा 0, ए में ए जोड़ा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास है ए प्लस ए का परिवर्त। अब अगर इसे मैं आधे से गुणा कर देता हूं, आधा ए प्लस ए का परिवर्त, अब आधे को इससे अगर आप गुणा कर दोगे तो मेरे भाई कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आधा और इसमें समा जाएगा, ये तो समुंदर है, ये तो समुंदर है, समुंदर में आप कुछ भी डालो समा जाता है अंदर। तो ये आधा जो है इसको गुणा कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा इसमें से पूरा। तो आपके पास a प्लस a का परिवर्त हाफ गुणा a प्लस a का परिवर्त कितना है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। नेक्स्ट a माइनस a का परिवर्त निकालते हैं, तो a प्लस a निकाला, अब हम यहां निकालते हैं a माइनस a का परिवर्त, a कितना है, 0 a b -a 0 c -b -c 0। माइनस ए का परिवर्त कितना है, यह 0 a -b 0 0 -c b c 0। ठीक है, इनको जोड़िए, तो 0 + 0 0 - 0 0, a माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। अब a प्लस a कितना हुआ, 2a, b माइनस माइनस प्लस 2b, माइनस a और ये हुआ माइनस a, ये 0, ये 2c, ये हुआ माइनस 2b, ये हुआ माइनस 2c और ये हुआ 0। ठीक है, ये आपके पास आया। अब आपको क्या करना है, हाफ से इसको गुणा कर दीजिए, आधा a माइनस a का परिवर्त। तो आधे से अगर आप गुणा कर दोगे तो देखो ये तो 0 हो गया, ये a हुआ, ये b हुआ, ये माइनस का a बटा 2 0, ये माइनस a, अच्छा ठीक है, ये माइनस का a, ये यहां पर 0 आएगा क्या, ये a है एक्चुअली, तो ये माइनस a और माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2a। तो यहां पर माइनस का 2a 0 और ये हो जाएगा आपका c, और 2 से तो भाग चला गया तो माइनस का b बच गया, यहां पर माइनस का ए बचेगा और यहां पर माइनस का सी बच गया और ये 0 आ गया। तो ये आपके पास बच जाएगा, ये किसमें बचेगा आपको, आधा ए प्लस एक ए माइनस ए का परिवर्त, ये आपके पास आया और ए प्लस ए का परिवर्त आपके पास ये आया। क्लियर हो गया अच्छे से, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है,
इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तीन की प्रैक्टिस आपको करनी है, फिर भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप जिंदाबाद है, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ कंसेप्ट करा सकता हूँ बहुत बेटर तरीके से, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। अब मैंने आपको बताया था सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में, और ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, बहुत अच्छे से समझाया था, और उसके बाद उसका एक क्वेश्चन भी हमने किया था। यहाँ पर भी आप देखिए सममित और विषम सममित से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये क्या दिया है कि एक आव्यूह है, उस आव्यूह का एक आव्यूह ये क्या है सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में होता है, सममित विषम सममित के योगफल के रूप में होता है। ये समझ में आया आपको, सममित मतलब जैसे मान लीजिए अगर ए है, हमने इसको किस तरह से लिखा था यहाँ पर P और Q की तरह से, अब कुछ याद आया आपको, अगर आपने पिछली वीडियो पूरी ईमानदारी से देखी है, एक भी पार्ट आपने उसका मिक्स नहीं किया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखिए हम बात करेंगे, ये आपको आव्यूह दिया है, इसे आपको इस तरह से दर्शाना है सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में, और इसके लिए हमने देखा था कि जो पी था वो था हाफ ए प्लस ए का परिवर्त, और Q जो था वो था हाफ a माइनस a का परिवर्त। अगर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चलता रहता है कि बोले सर इन दोनों का योगफल कैसे होगा, अरे मेरे भाई ये देख इन दोनों को जोड़ दे, तो ये हुआ p प्लस q, इसे जोड़ेगा तो ये इस तरह से जुड़ेगा ना। अब इसमें से जान से देख, इसमें से अगर मैं आधा कॉमन ले लूं आधा, तो ये बच जाएगा a प्लस a का परिवर्त प्लस a माइनस a का परिवर्त, ये कट गया आपस में, a और a कितना होता है 2a, तो 1 बटा 2 गुणा 2a, ये 2a से 2 कट गया तो ये बचा कितना a, और हम यहाँ पर a ही होता है, जो p प्लस q है वो क्या है a, यानी आव्यूह है, तो ये कितना हुआ आव्यूह, तो ये बराबर हो गया, इसीलिए इसे हम इस तरह से लिखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे a प्लस a के परिवर्त की, तो a आपको दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये आपको a दिया है, तो a का परिवर्त हम निकाल लेते हैं, ये 3 5 है, इस 3 और 5 को ऐसे लिख लेते हैं, ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं p, जो कि कितना होता है आधा a प्लस a का परिवर्त, तो आधा ये लिखा, a प्लस a का परिवर्त निकाला, तो इसको और इसको जोड़ देते हैं, 6 5 और 1 6 1 और 5 6 माइनस 1 और माइनस 1 कितना हुआ माइनस का 2, ठीक है, एक और एक कितना होता है माइनस एक और माइनस एक 2 ही हुआ। अब आपको इसको अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 3 और माइनस 1, ये आपने p निकाला। अब इसका परिवर्त करो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था सममित, और सममित क्या होता है p का परिवर्त, तो इसका परिवर्त करो 3 3 3 माइनस 1, कोई बदलाव नहीं है, क्यों निकालते हैं आधा a माइनस a का परिवर्त, आधा एक a ये रहा, इसमें से इसका परिवर्त को माइनस करो, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, और -1 में से ये आप माइनस कर दोगे तो 0। अच्छा एक बात बताओ आपको, जब आप ये देखते हो विषम सममित, तो मैंने एक बात आपको पॉइंट की थी, क्या वो आपको समझ में आती है क्या कि उसका जो मेन डायगोनल है, उनका जो मेन विकर्ण है वो कितना होगा 0 0। आप हमेशा देख सकते हो कि विकर्ण इस समय हमेशा कितना आ रहा है 0 0 आ रहा है, इसे अंदर भाग कर दीजिए गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 2 माइनस 2 0। अब इसका परिवर्त कीजिए तो 0 2 माइनस 2 0, फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 0 2 माइनस 2 0, ये और ये एक जैसा हो गया इसलिए इसे लिख सकते हैं माइनस क्यू, तो इसका मतलब क्यू का परिवर्त क्या है विषम सममित है, और पी का परिवर्त क्या है सममित है, यहां लिख दीजिए जो कि सममित है, और यहां लिख दीजिए जो कि विषम सममित है। अब यहां आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो सममित और विषम सममित में आपने एक बात नोट की होगी, आपको क्या लिखना है p प्लस q की तरह लिखना है, तो p कितना आया, p और p का परिवर्त एक जैसा है, q कितना आया, q का परिवर्त क्या है माइनस q, तो ये कितना आया आपके पास, q की वैल्यू कितनी है देखो
ये है 0, 2, माइनस 2 और 0, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 0, 3, 3 और 2, 5, 3 में से माइनस 2, 1, प्लस का, और माइनस 1, मेरे भाई इसको देखो, ऐसा कुछ दिखा, समझ में आया, इसका मतलब क्या है, कि ये एक क्या है, ये योगफल है, आव्यूह किसका, सममित और विषम सममित का, ये आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी डाउट हो तो पता ही आपको क्या करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, 11वां और 12वां क्वेश्चन, पहले 11वें की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो इसका मतलब हुआ ए का परिवर्त ए होगा, बी का परिवर्त बी होगा। अब इसने कहा कि ये क्या होगा, अब असदा वाला क्वेश्चन है, तो बड़ा सिंपल है, हम इसे x मान लेते हैं, x बराबर ए बी माइनस बी ए, परिवर्त करते हैं इसका, परिवर्त किया हमने तो x का परिवर्त बराबर ए बी माइनस बी ए, इसका परिवर्त, अब a प्लस बी या a माइनस बी का परिवर्त हमने बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त, और इसमें फिर एक गुणधर्म लग गया। देखो ये क्वेश्चन आपको तब आएगा, अगर आपने आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपको तब आएगा जब आपको गुणधर्म याद होंगे, जो मैंने बहुत अच्छे से बताए थे। अब यहां पर बी का परिवर्त और ए का परिवर्त क्या है, ये ए है, बी का परिवर्त बी ही है और ए का परिवर्त ए है, ए का परिवर्त ए, बी का परिवर्त बी, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए क्या था, एक्स था, तो माइनस एक्स, एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ, एक्स का परिवर्त क्या प्राप्त हुआ, माइनस ए। अब किसी का परिवर्त अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है, किसी का परिवर्त अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है, बोल के देखो एक बार, किसी का परिवर्त, मेरे साथ बोलो ये, किसी का परिवर्त अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो वो एक विषम सममित आव्यूह होता है, तो यहां पर जो विषम सममित आव्यूह होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन दिया है ए बराबर, ये आपको जो भी दिया है वो, और ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई है, आई एक इकाई आव्यूह है, इसकी जो कोटि होगी वही कोटि इसकी है, तो अल्फा का मान ज्ञात कर दिए, तो ए का परिवर्त निकाल लीजिए कॉस अल्फा, देखिए ये पंक्ति है, स्तंभ बना रहा हूं, जोड़ दीजिए, मैं इसको यहां आई लिख लेता हूं और यहां जोड़ के लिख देता हूं, बराबर ये कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा कितना हुआ, दो कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जीरो, ये साइन ये माइनस साइन जीरो, ये कॉस अल्फा दो कॉस अल्फा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, दो समान आव्यूह जब भी होते हैं, दो समान आव्यूह जब भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, संगत अवयव समान होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं, तो दो कॉस अल्फा बराबर एक, कॉस अल्फा बराबर एक बटा दो, साइन पर यह मान होता है 30 पर, तो कॉस पे हो जाएगा 60 पर, तो कॉस अल्फा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 60 डिग्री, दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया था कैसे आता है ये, कॉस से कॉस गया, अल्फा का मान प्राप्त हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका आंसर है। ये हुई आपकी वीडियो कंप्लीट, यह हुई आपकी प्रश्नावली कंप्लीट, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, आपका एक शेयर किसी का एक साल बचा सकता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, इजाजत दीजिए।